हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो तुसी सारे? ठीक हो ना? ओके, तां थानू बहुत याद कर दिया, आपां घर बैठे मिस कर दिया एक्चुअली बहुत ज़्यादा अपने बच्चियां नू। तुसी भी तां साडी फैमिली हो, याद है ना आपां पिछली वीडियो दे विच मी एंड माई फैमिली टॉपिक स्टार्ट कीता सी? हजे टॉपिक पूरा नहीं होया अपना। अज मैं इस टॉपिक दे स्टार्ट विच जिहड़ा अपना बाकी टॉपिक रहिंदा, उस टॉपिक तो नूं स्टार्ट करन तो पहला थोनूं थोड़ियां जिहियां पिक्चर्स जिहड़ियां ने दिखा रही हाँ, इहदे विच थोड़ा वर्क है जिहड़ा तुसीं करना। ठीक है, जिवें कि लाइक तुसीं एक फोटोग्राफ, मम्मा पापा, दादा दादी, जो भी तुहाडे घर विच रहिंदे ने, उह फोटोग्राफ तुसीं एक कार्ड ते चिपकाया जे, उत्थे लिखिआ जे, ठीक है, होर भी जो कुछ दिखाया जा रिहा। ते इक होर गल वी आ, इन्हां पिक्चर्स दे बैकग्राउंड ते जिहड़ियां पिक्चर्स ने, यू नो, ये कित्थों आईआं ने? ये कैनेडा तों आईआं ने। मेरी फैमिली जिहड़ी आ ना, मेरीआं बेटियां, ओह कैनेडा ने ना, तां उहनां ने मैनूं पिक्चर्स भेजीआं सी। एंड आई जस्ट वॉन्ट दैट, मैं वीडियोज़ दे विच ना ओह छोटी-छोटियां वीडियोज़ जां पिक्चर्स भेजदी नूं तुहाडे नाल शेयर करिआ करूँगी, है ना? तां खुशियां जिहड़ियां ने वंडन नाल वधदीआं ने। तां आपां फिर अज अपना बाकी दा टॉपिक करदे हां। याद है ना उस दिन आपां अपने बारे कीता सी, यानी मैं रवि सी ना, उस दिन रवि बारे कीता सी, रवि दे दादा जी बारे कीता सी, रवि दे दादी जी बारे पढ़िया सी। तां हुण आपां फैमिली दे बाकी मैंबर्स बारे पढ़ांगे। चलो फिर पढ़दे हां, ते नाले याद रखना तुसीं चैनल सबसक्राइब जरूर करना है, ऐ नहीं भुलना। ठीक है, ओके, चलो पढ़िए फिर। धार्मिक किताबां पढ़नियां पसंद ने, राइट? चलो हुण आपां दादी जी बारे भी लिखता, उस तो बाद आपां कदे कदे लिखण जा रहे हैं पापा जी बारे भी। ठीक, हुण पापा जी मैन है, मस्कुलिन करैक्टर है, इस करके इन्हां लिए की यूज होगा प्रोनाउन पुत्र, ही यूज होगा। ही इज माई फादर, ही इज माई फादर, वो मेरे पापा है। तां फिर एज दसो उन्हां दी, ही इज 45 ईयर्स ओल्ड, ही इज 45 ईयर्स ओल्ड। मेरे वालों थानू एक टास्क है कि तुसी 1 तो लैके 100 तक सारी काउंटिंग सीखनी है, इंग्लिश विच लिखनी है, 1 2 3 4 5 6 टाइप 100 तक लिखनी है, ते लिख के मैं जरूर दसना है। He is 45 years old. वो काउंटिंग कर दिया। He is a doctor. He is a doctor. बेटे अजकल आप देखो लॉकडाउन चल रहा अपना समा चढ़ा, लेकिन इस समय मतलब सब तो ज्यादा जेडे सेक्रीफाइसेस जिन्हों आप कह सकते हैं या वर्क कर रहे हैं घरों बाहर है गया, वो सारे की है गया डॉक्टर्स है, नर्सिस है, फ्रंटलाइन वर्कर्स है गया, है ना? उन्होंने अपनी जान नो रिस्क पाया हुआ है कोरोना करके, लेकिन वो फिर भी काम कर रहे हैं, है ना? तो आप सैल्यूट करते हैं उन्होंने। तुसी वीडियो भी देखी हो अपनी है यूट्यूब पे, थैंक्स टू कोरोना वॉरियर्स हैशटैग करके पाई है। ही इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है गया है, तो उन्होंने पसंद की है। ही लाइक्स टू हेल्प द पुअर, द पुअर, उन्होंने गरीबों की मदद करनी पसंद है। देखो मैं इतने कुछ चीज ऐड करना चाहूंगी, तुसी नोटिस किया कि मुश्किल की इस घड़ी के पूरा इंडिया किवें इकट्ठा हो चुका है, किवें सारे एक दूजे की मदद कर रहे हैं, किवें मतलब जिवें लोड़ है किसी को खाना प्रोवाइड कर रहे हैं या किसी क्लोथिंग की लोड़ है, हर चीज प्रोवाइड की जा रही है। तो यह साडे अंदर गुण होना चाहिए है कि किसी का दुख देख के सानू दर्द आना चाहिए वै, कि दर्द देख दुख आता है ना, दर्द किसी का देखो तो अंदर फीलिंग आनी चाहिए इस गल की। तो मेरे पापा भी नहीं पसंद है, मतलब रवि के पापा भी, कि ही लाइक्स टू हेल्प द पुअर, उन्होंने गरीबों की मदद करना पसंद है। पर पुअर का उल्ट की हो गया फिर, रिच, पुअर का उल्ट की हो गया रिच, अमीर। तो तुम इतने एक्नोलेज एनहेंस कर दी हाँ, कल की न्यूज थी कि एशिया का सब तो रिच परसन कौन बन चुका है, मुकेश अंबानी, ठीक है, द रिचेस्ट मैन ऑफ एशिया। एशिया इज आवर कॉन्टीनेंट, महाद्वीप है, सब तो बड़ा महाद्वीप है, तो एशिया में सब तो अमीर परसन कौन हो चुका है, मुकेश अंबानी। ही लाइक्स टू हेल्प द पुअर, कि मेरे पापा को की पसंद है, गरीबों की मदद करना पसंद है। ठीक है,
चलो पापा बारे भी हो गया, उस तो बाद आपा करांगे अपनी मम्मा बारे। मामा ठंडिया छावा, छावा कौन करे। चलो मम्मी यार कशा जाएंगे, मम्मी यार मम्मी यार बड़े गाने पढ़ते ने, मम्मी यार बारे सारे बहुत कहते ने, मामा होंगे या नोचियां ने। मैं महसूस करती हूँ खुद बीइंग अ मदर के एक माँ को कोई बंदा ये कवे कि तू फिकर ना कर, ये बहुत डिफिकल्ट चीज है ना, मामा फिकर करे बिना नहीं रहती हैं। चलो मदर बारे लिखते हैं, तो ही इज माई मदर होगा कि शी इज माई मदर, दसो। यस शी इज माई मदर, शी इज माई मदर, ओ मेरे मम्मा जी है। शी इज 40 इयर्स ओल्ड, 40 इयर्स सॉरी। शी देखती अगली गल वो काम की कर देने, शी इज अ होम मेकर, कुछ भी देख सकते हो जिसका मम्मा पढ़ाते हैं, शी इज अ टीचर। जेकर थोड़ी मम्मा नर्सिंग कर रहे, शी इज अ नर्स, ठीक है। जे कोई अपना काम कर रहे तो शी इज अ बिजनेस वूमेन। तो जे कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ क्यों नहीं करते, मतलब घरे रहते हैं, पर जी घरे रहने वाली मम्मी है ना, आप ये नहीं कह सकते कुछ नहीं करते, वो बहुत ज्यादा कुछ करते हैं, क्योंकि वो सारे घर की केयर टेक करते हैं, खाना बनाते हैं, क्लीनिंग करते हैं, तानू खाते हैं, तैयार करते हैं। मामा का दिन तो आप दे नहीं सकते सारी उम्र है ना। शी इज अ होम मेकर, मैं एक नवा वर्ड यूज कर जा रही हूँ जिहड़ा कि पॉपुलर है अजकल। असं ये नहीं कहते कि शी इज अ हाउस वाइफ, वाई शी इज ओनली हाउस वाइफ, she is doesn't only she is not only housewife, actually she is a homemaker. ओ घर को बनाउंदी है, मां जेड़ी है मां घर बनाउंदी है, मां दरअसल मकान को घर बना देंदी है, she is a homemaker. मैं था ये कहनी है कि मामा she is home minister actually, मतलब गृह मंत्री होती है ने, इवन फाइनेंस मिनिस्टर भी होती है ने, तो मम्मी अकी ने she is a homemaker, वो घर बना दिया ने। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਮੰਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਸੀਓ ਨਾ ਨਾ, ਮੰਮੀਆਂ ਹੱਸਣ ਸਕਦੇ, ਮੰਮੀਆਂ ਤਾਂ ਹੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਲੇਟ ਉੱਠਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆਹ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਮੰਮੀਆਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੋਣੀ, ਹੈਲਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੰਮਾ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਹੋਮ ਮੇਕਰ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। चलो फिर पी लो। शी इज अ होम मेकर, शी लाइक्स टू कुक फूड, उन्होंने की पसंद है, खाना पकाना पसंद है, सारे मम्मिया भी होंगे आह खवाद बच्चों को, खवाद बच्चों को, तो ओके मम्मा बारे भी देखता, क्योंकि आप ज्वाइंट फैमिली रहने, ज्वाइंट फैमिली चाचा भी रहते, चाची भी रहते, ताया भी हो सकते, ताई भी हो सकती है ना, भैन भी भरा भी सारे होंगे ने। इसलिए हम आप पढ़ जा रहे हैं चाचा, तो तुम इंग्लिश में पता की गल है, चाहे चाचा जी है, ठीक है चाचा जी, ते चाहे है ताया जी, ठीक है ते चाहे है फुफा जी, ते चाहे है मासड़ जी, बई सारे की आंदा है अंकल। एक सोनी गल है, चाचा जी भी अंकल है, ताया जी भी अंकल है, फूफा जी भी अंकल है, मासड़ जी भी अंकल है। चलो हम फिर आप जा रहे हैं अंकल जी बारे, तो अंकल जी मैस्कुलिन करैक्टर हो गए, यदा मतलब की हो गया ही इज माय अंकल, ही इज माय अंकल, वो मेरे चाचा जी है। He is 42 years old. 42 years old. ओ 42 साल दे हो। ओ काम की कर दिया। He is a pilot. ओ पायलट है। मतलब के जहाज चलाते हैं शूं करके। आजकल तो पता ना फ्लाइट्स बंद हुई हैं वहीं। क्योंकि कोरोना करके एक कंट्री से दूसरी कंट्री से ट्रैवल नहीं कर सकते कि नो वरीज। गुड टाइम विल कम, अच्छा टाइम आएगा, आने वाला है वो। ही इज अ पायलट, वो पायलट है गे ने, ते उन्होंने पसंद भी है करना, जो तुसी कहोगे मैं वो लिख दिंदी हैगी हां कि मेरे अंकल जी की पसंद है। ही इज
fond of music. He is fond of music. तुम पता fond of की होता है? Fond of होता है शौकीन होना. शौकीन होना. यानी कि उन्होंने संगीत सुनना पसंद है. तुम्हें यह सारा है तुम कितने ज्यादा गाने सुनते हो अजकल. लेकिन चंगा सॉन्ग सुनना चाहिए. मतलब कहता है कि जिदे विच कंटेंट चंगा होवे, वर्डिंग सोनी होवे, म्यूजिक सोना होवे, वो सुनिया करो. ठीक है. चाची जी गुस्से हो जाएंगे जे ना लिखिया था. She is my aunt. ओ मेरे aunt है. यानी के आंटी, aunt भी लिख सकते हैं हमने यहाँ. एक स्पेलिंग आंटी के ऐ भी होंगे यार. ठीक है, ऐ भी लिख सकते हैं हम जो भी है. ता she is my aunt. और मेरे चाची जी है. She is 35 years old. 35 years old. वो 35 साल दे है. She is a nurse. Salute to the nurses also during these days. She is a nurse. वो एक नर्स है. She works in a hospital. She works in a hospital. वो एक हॉस्पिटल काम कर दिया. ठीक. चलो हाँ मैं की कर दिया. मैं तीन पैराज थानू दिनी है करने लगी. नंबर एक ते तुसी अपने ब्रदर बारे लिखना है. नंबर दो तुसी अपने सिस्टर बारे लिखना है खुद. नंबर तीन तुसी अपने पेट बारे लिखना है. पेट मैं तुम समझा देनी है. पेट की होंगे पेट एनिमल्स होंगे है पालतू. पेट मैंने पालतू जानवर बारे लिखना है. कैट है, डॉग है. दो तरह के जानवर होंगे. एक पैट एक वाइट. पैटो होंगे कुछ जो आप घरे रख लें डॉगी कैट. जो वाइल्ड जो जंगल रहते हैं. इन्होंने तिना बारे खुद लिखना है चार चार सेंटेंस. ठीक. तो फिर मैं दसना हम जो कि बार बार कह रही हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक जरूर पाऊंगी इस लैसन बारे ताकि थानू पता लगे इसके बारे कि वाइल्ड जोड़ा है वो कंसैप्ट है. बहुत वास्ट है जो अंदर लिखा हुआ. प्रोनाउंस बारे सारा कुछ करना है. प्रोनाउंस लिखना है, चेंज करना है, वोकैबुलरी करनी है, काउंटिंग करनी है. 1-100 तक लिखनी है. तुसी एक अपने जिम्मे एज सबकी एज अलग अलग लिखनी है. ग्रैंडफादर की एज कितनी है, ग्रैंडमदर की एज कितनी है, मदर की एज कितनी है, फादर की एज, सबकी एज लिखनी है. ठीक है. ऑपोजिट पढ़ने हैं. जेंडर देखो कितने आए. ही का जेंडर शी, शी का जेंडर ही. ठीक है. सिस्टर का ब्रदर, ब्रदर का सिस्टर. मदर का फादर, फादर का मदर. ग्रैंड मदर का ग्रैंड फादर. ठीक है. तुसी सारे करने हैं. उस तो इलावा एक प्रोजेक्ट है थोड़े लिए. प्रोजेक्ट ये है तुसी आपकी फैमिली बारे लिखना है. ठीक है. भी मैंने अपनी फैमिली नाल प्यार है या मैंने की कर दिया मेरे लिए. ठीक है. सारा लिखा जी फीलिंग्स लिखा जी. इस तो इलावा तुसी अपने फैमिली की एक फोटोग्राफ बनानी है. चाहे तुसी खुद ब्लॉग है सब दी है जहां जो मर्जी. ठीक है. उन फोटो एक वर्कशीट लेनी है, ड्राइंग शीट. उस ड्राइंग शीट के उपर माई फैमिली लिखना. सब दिया फोटो चिपकानिया उपर जो थोड़े घरे रहते हैं. ठीक है. सब दिया फोटो चिपकानिया डेकोरेट करना है. फिर वो लिखना है नीचे उन्होंने बारे. जेडे नीतू दीदी थानू नैक्सट वीडियो सिखा जा रहा है फोटो फ्रेम भी सिखा जा रहा है. तो ये करके तुम उस फोटो फ्रेम फोटो पाया जे होर भी सोहना लगेगा है ना फैमिली की फोटो. मैं हम चाहनी हाँ कि जिन्ना मैं थोड़ा करवाया उन्ना करो. लेकिन इस लैसन मैं कॉन्टिन्यू करूंगी. थोड़ा बहुत कुछ दसूंगी होर भी डिस्क्रिप्शन जो कुछ देखोगे क्वेश्चन देखने सब कुछ उसे देखा जे. लेकिन इन्हों लिखा जे, लर्न करा जे, दादा जी दादी जी बारे लिखा जे, उन्होंने को बैठा जे, उन्होंने को स्टोरी सुनिया करो, उन्होंने स्टोरी सानू भी दसिया करो. ठीक है. जो तुम स्टोरीज थानू दादा जी सुनाते हैं ना दादी जी तो तुम स्टोरीज वीडियो बनाया करो. वो वीडियो मैं सेंड करिया करो. तो फिर मैं थोड़ी वीडियो यूट्यूब पाऊंगी. ठीक है. स्टे होम, स्टे सेफ, बाय.